अब पूरी तरह से थम गए बसों के पहिए, बस ऑपरेटरों ने बसें की सरेंडर। सहकारी समिति सेवती में खाद की कमी से किसान हो रहे परेशान। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने जनपद कार्यालय के सामने मटकी फोड़ किया प्रदर्शन। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कल तक जो यात्री बसें सड़कों पर फर्राटे भरती नजर आ रही थी, आज उन्हीं यात्री बसों के पहिए अचानक थाम दिए गए हैं। जहां माना जा रहा है कि कोविड संक्रमण में खड़ी बसों का टैक्स माफ ना होना, डीजल में बेतहाशा बढ़ोतरी और ऑपरेटरों की विभिन्न मांगों को शासन द्वारा नहीं मानी जा रही हैं, जिससे आक्रोशित होकर बस ऑपरेटरों ने अधिकांश बसों का संचालन बंद कर दिया है। जहां करीब 200 बसों को सरेंडर कर दिया गया है। कारण यह बताया गया है कि कोविड संक्रमण काल के दौरान हुए लॉकडाउन में शासन और जिला प्रशासन के निर्देश पर बस ऑपरेटरों द्वारा बसों का संचालन बंद कर दिया गया था, लेकिन मई अप्रैल माह का परिवहन टैक्स शासन द्वारा माफ नहीं किया गया, जबकि परिवहन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा ऑपरेटरों को आश्वस्त किया गया था कि कोविड संक्रमण काल के दौरान टैक्स माफ कर दिया जाएगा। वर्तमान में किसानों की खरीफ की फसल धान की रोपाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन सहकारी समितियों में खाद की पर्याप्त व्यवस्था न होने से किसान परेशान हैं। एक तरफ तो सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, वहीं समय पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जिसके चलते किसान बाजार से दोगुनी कीमत पर खाद खरीदने को मजबूर है। ऐसी ही अव्यवस्था सहकारी समिति सेवती में देखने में आई है, जहां पर अभी तक आधे किसानों को ही खाद मिल पाया है। इस संबंध में सहकारी समिति के कर्मचारियों ने इसका कारण कम आवंटन का प्राप्त होना बताया है। सर, समय पे खाद नहीं मिल पा रहा है। यहाँ समर्थन डीएपी लगता है हमको, तो अभी चल के 50 टन लगभग मिला है, तो 50% किसानों को अपन ने खाद बांटे हैं और 50% किसान बच चुके हैं। अच्छा, ये जो आवंटन वाली बात हो रही कि अपने समितियों को कम आवंटन हो पा रहा है, ये आवंटन की व्यवस्था कहाँ से हो पा रहा है? ये ऊपर से होता है सर। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा 22 जुलाई से पंचायत कर्मियों के 17 संगठनों द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल के 13वें दिन 3 अगस्त को जिला स्तर पर जनपद पंचायत कार्यालय के सामने मटकी फोड़ प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लंबित जायज मांगे पूरी नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। हड़तालियों ने कहा कि शीघ्र मांग पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ेगा। सरकार संयुक्त संघर्ष मोर्चा में समस्त 17 संगठनों की मांगों को अनसुना कर रही है, सुध नहीं ले रही है। इसी के फलस्वरूप पूरे मध्य प्रदेश के 313 जनपद मुख्यालय एवं 52 जिला पंचायत मुख्यालयों पर हम लोग विरोध स्वरूप अर्धनग्न होकर एवं मटका फोड़कर सरकार का हम पुरजोर विरोध करते हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि सरकार अब सुध में आ जाए और सारे अधिकारी कर्मचारियों की मांगों को सकारात्मक निर्णय लेते हुए गंभीरतापूर्वक उसका निराकरण करें। हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर इसलिए रोक कर रखा था क्योंकि सारे जनपद 9 मुख्यालयों पर कल इसका संदेश चले जाए और जिला मुख्यालय पर सारे पदाधिकारी जिला और जनपद के जो समस्त पदाधिकारीगण हैं वो जिला मुख्यालय पर उपस्थित हो, ताकि एकता के साथ प्रदेश स्तर पर इसका संदेश जाए। हमारा आरडी विभाग मतलब पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मतलब देश ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला पंचायत जितने भी अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं हमारे, चाहे शहीदा हो या नहीं, इन सबका संयुक्त मोर्चा ने 12 जुलाई को एक ज्ञापन दिया था शासन को कि हमारी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उसको पूरी की जाए, अन्यथा 19-20 का अवकाश नहीं है। हमने अपने ज्ञापन के अनुसार 19-20 को समस्त मध्य प्रदेश की पूरी ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला पंचायत पूरे अधिकारी कर्मचारी अवकाश पर रहे, शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद भी हमने शासन को अल्टीमेटम दिया कि 22 जुलाई तक अगर बात पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना पर चले जाएंगे। जब शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, हमारा प्रतिनिधिमंडल ने भी शासन से भेंट किया लेकिन कोई समाधान पूर्वक उत्तर नहीं दिया। 22 जुलाई से आरडी भाग के पूरे अधिकारी कर्मचारी हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर है, लेकिन शासन द्वारा आज दिनांक कोई भी सकारात्मक
उत्तर नहीं आया या कोई ऐसा हमें अवसर नहीं दिया है कि हम अपने हड़ताल वापस लें। उसी विरोध प्रदर्शन में कल और आज 2 अगस्त और 3 अगस्त पूरे मध्य प्रदेश 313 जनपद और 52 जिला पंचायत सभी मुख्यालय में शासन के विरोध में शासन प्रशासन के द्वारा जो हमारी अवहेलना की जा रही है उसके विरोध स्वरूप मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सन 1875 में ब्रिटिश शासन काल में निर्मित बालाघाट जिला जेल के बैरक की छत इन दिनों बारिश के कारण टपक रही है, जिसको लेकर जेल अधीक्षक ने गहरी चिंता जाहिर की है और उन्होंने छत के मरम्मत कार्य के लिए कार्यपालन यंत्री को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित और संवेदनशील जिला है। यहां आपराधिक गतिविधियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जहां क्षमता के अनुसार दोगुनी संख्या में कैदियों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में जेल की दुर्दशा से जुड़ी खबर आना बेहद चिंताजनक है। बालाघाट जेल की स्थापना को करीब 146 साल बीत चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जेल भवन अब नए विकास की बांट जो रहा है। वर्तमान में जेल की एक बैरक की छत बारिश होने पर टपकती है। इसके साथ ही जेल अधीक्षक जीएल नेटी के दफ्तर में बारिश के बूंदें टपकती देखी गई। बेरोजगारों को रोजगार देने की मंशा से मंडी निधि से 4 करोड़ की लागत से कॉम्प्लेक्स निर्माण की स्वीकृति मिली, जिसमें 74 कमरे बनाए गए जो अलग अलग साइजों में बनाए गए। विभागीय सूत्र बताते हैं कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते निर्माण कार्य लंबित है। कॉम्प्लेक्स निर्माण करने वाली कंपनी के वैकेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी छतरपुर का टेंडर निरस्त कर दिया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा भोपाल में अपील कर निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए कुछ समय मांगा गया था। अपील मंजूर करते हुए कुछ समय ठेकेदार को निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए दे दिया गया था। समय का फायदा उठाते हुए जल्दबाजी में गुणवत्ता विहीन कार्य कराया जा रहा है, जिसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों से प्राप्त हुई है। अतः मंडी बोर्ड के उच्च अधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि कराए जा रहे निर्माण कार्यों में लीपापोती की जा रही है। जिला मुख्यालय बालाघाट पहुंचे ग्राम भौरगढ़ के निवासी लक्ष्मण, आरती, मीरा, अमन ने बताया कि पिछले काफी समय से अनावेतक बबलू लिहारे द्वारा धमकी देकर आए दिन गाली गलौज किए जाती है और मारने की कोशिश भी की जा चुकी है, जिसको लेकर आवेदक ने जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। आवेदकों के द्वारा आवेदन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को बताया गया कि बबलू लिहारे पूर्व में कारावास की सजा काट चुका है। किस बात को लेकर? कोई झगड़ा नहीं, तूफान नहीं किसी में। तो क्या चाहते हो आप लोग? रिपोर्ट करना। तो रिपोर्ट नहीं हो रही कि थाने जाते हैं लोग? थाना तो गए जी। क्या हुआ थाने में? क्या हुआ? कुछ नहीं हुई। समस्या वो है, चाकू लेके मारने दौड़ता है। कौन दौड़ता है? भाई। भाई भाई आपका भाई? हाँ, बबलू। तो आपने शिकायत की हो कभी? हाँ। कहाँ की हो? खैलांजी थाने में की हो। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया। तो अभी कहाँ आए हो आप? अभी महीना हो गया कहीं बाहर रहते हैं। तो अभी कहाँ आए हो? साहब के पास। साहब के पास? आपके पास आए हो? क्या चाहते हो आप? हमको क्या है, अपन इसी काम में रहते नहीं, वो हमारे को मारने में दौड़ता है। अरे किस विवाद को लेकर के वो मारने के लिए दौड़ता है? पता नहीं, वो मारने दौड़ता है। घरेलू हिंसा, विशेषकर महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने और पारिवारिक विवाद को सुलझाने राज्य स्तर पर बालाघाट जिले में 2018 में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई थी। लगभग 3 साल के अंतराल में इस सेंटर में पूरे जिले भर में 2000 से ज्यादा मामले पंजीबद्ध किए गए, जिसमें से लगभग 1200 मामले आपसी सहमति से सुलझा भी लिए गए। दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जिले के खैरलांजी और लालबरा क्षेत्र में घरेलू हिंसा के सर्वाधिक मामले पंजीयन कराए गए हैं। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना से जिले के सैकड़ों परिवार बिखरने से बच रहे हैं। वहीं महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी आई है। यहाँ पर सुलह के साथ साथ जो समझाइश दी जाती है उसका पति पत्नी पर अच्छा असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। बालाघाट जिले में वन स्टॉप सेंटर 3 मई 2018 से निरंतर संचालित किया जा रहा है। एक्चुअली अभी तक जो इतने पंजीयन हमने किए गए हैं वो है 2084 केसेस पंजीयन किए गए हैं और जो निराकरण केसेस है वो मोर देन 1000 है। अराउंड 1290 केसेस जो है उसका निराकरण किया जा चुका है। महिलाएं अपने घरों में जो है या फिर उनको जो भी भरण पोषण है या उनके जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व की जा चुकी है। मैम क्या कुछ समझाइश दी जाती है वन स्टॉप सेंटर के द्वारा? सर एक्चुअली वन स्टॉप सेंटर का जो बेस है जो बनाया गया है उसमें एक ही छत में एक ही स्थान पे पीड़ित महिलाएं जो आती हैं जिनको किसी भी तरीके की यदि कोई परेशानी हो, उनके साथ घरेलू हिंसा कारित की जा रही है या उनके साथ में क्या दहेज प्रताड़ना हो रही है या उनके साथ में किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है या छेड़छाड़ है या रेप विक्टिम है या एसिड अटैक है, महिलाओं के साथ में किसी भी प्रकार की यदि कोई भी हिंसा कारित की जाती है तो उन महिलाओं को हम यहाँ सहायता उपलब्ध कराते हैं।
यहाँ दो प्रकार की सहायताएं दी जाती है, बेसिकली दो होता है, जैसे एक होती है आपातकालीन सहायता, एक होती गैर आपातकालीन सहायता। जो आपातकालीन सहायता है उसमें ये होता है कि यदि महिला कहीं फंसी है या उनको वहां से रेस्क्यू कराना है तो हम 100 नंबर या 108 के माध्यम से या 181 महिला हेल्पलाइन के माध्यम से उनको उस जगह से रेस्क्यू किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी सहायताएं हैं, जैसे हम यहाँ पार्क बेड का डॉर्मेट्री है जहाँ महिलाओं को आश्रय दिया जाता है 5 से 7 दिन के लिए, और उनकी स्वास्थ्य जांच होती है, हर चेकअप किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को जो निशुल्क विधिक सहायताएं, मतलब निशुल्क वकील जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को घरेलू हिंसा से भी महिलाएं पीड़ित है तो उनके लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत DIR 5 की जाती है। उनको पुलिस सहायताएं देते हैं यदि महिलाएं अपनी FIR करवाना चाहती हैं, उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी हो वो अपनी FIR कराना चाहती है तो उनको यहाँ से FIR भी उपलब्ध कराई जाती है। फिर क्या कुछ समझाइश दी जाती है महिलाओं को, जैसे यहाँ पे एक महीने में कितने केसेस आ जाते हैं लगभग यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर? वैसे केसेस तो बहुत ज़्यादा जो है उसका जो डेटा है वो चेंजेस होता रहता है, कई मोर देन 50 केसेस और जो है रजिस्टर्ड किए जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मोर देन 100 केसेस भी रजिस्टर्ड किए गए हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन की मैं बात करूँ तो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।